महुआ तहसील के देदवासन गांव के प्राथमिक विद्यालय में हंगामा। देदवासन गांव के प्राथमिक विद्यालय में गांव के लोगों ने हंगामा किया। गांव के लोगों का कहना है कि छात्रों की पढ़ाई से खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद कोई अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़, सारे अधिकारी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 3 महीने से कोई भी छात्र देदवासन प्राथमिक विद्यालय में नहीं आ रहा है, जबकि किसी भी अधिकारी को पर्याप्त नींद नहीं पूर्ण हो रही है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के दुर्व्यवहार जैसे कई कारणों से अभिभावक शिक्षक बदलने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी शिक्षक के तबादले को लेकर अभिभावकों ने प्राथमिक विद्यालय में हंगामा किया था। लगभग 3 महीने तक कोई छात्र स्कूल नहीं आने पर कक्षा 1 से 5 तक के 19 छात्रों भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बदसलूकी करने वाला स्कूल का मुख्य शिक्षक है, ऐसा सामने आया है।